दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ मैटलैब मोबाइल ऐप के बारे में। यहाँ पे आपने मैटलैब सॉफ्टवेयर तो यूज किया रहेगा, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट से तो आपको पता ही होगा कि मैटलैब सॉफ्टवेयर क्या होता है और किस काम के लिए यूज होता है। तो उसी का मैटलैब मोबाइल ऐप भी है, हालांकि इसका साइज बहुत कम है, तो आज हम इसी के बारे में बात करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनी, आप देख टेक्नोलॉजी वीडियो चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटलैब मोबाइल ऐप के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं मैटलैब सॉफ्टवेयर के बारे में, मैटलैब सॉफ्टवेयर क्या है और किस लिए यूज होता है। यहाँ पे काफी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैटलैब सॉफ्टवेयर यूज तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसका एक्चुअल यूज क्या है। तो यहाँ पे मैटलैब सॉफ्टवेयर हम लोग सिमुलेशन या फिर डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मशीन बना रहे हो या फिर कोई सिस्टम बना रहे हो और वो आपको सुटेबल आउटपुट दे रहा है कि नहीं, उसको टेस्टिंग करने के लिए हम सिमुलेशन करते हैं और उसका डेटा एनालिसिस करते हैं। अगर सिमुलेशन प्रॉपर है, डेटा एनालिसिस एक्यूरेट है, तो हम उस मशीन को डिजाइन करते हैं। तो कोई भी मशीन बनने से पहले उसका सिमुलेशन होता है, तो इसलिए हम मैटलैब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, मैटलैब मोबाइल ऐप के बारे में। तो यहाँ पे मैं इस ऐप का रिव्यू देने जा रहा हूँ और ये ऐप 2.5 MB का ऐप है। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास पीसी नहीं है, तो यहाँ पे उनके पास स्मार्टफोन होगा और उनके पास अगर लो एंड परफॉर्मेंस देने वाला भी स्मार्टफोन है तो वो भी अपने फोन में ये ऐप को इंस्टॉल करके इसे रन कर सकते हैं। काफी कम साइज है, 2.50 MB का ये ऐप है, तो इसे इंस्टॉल करके इसे रन कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ, देख लेते हैं ये ऐप किस तरह से काम करता है। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को बताऊं कि आप किस तरह से अपने मैटलैब कोड को अपने स्मार्टफोन पर चला सकते हैं और यहाँ पे आपको पीसी सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे मैटलैब मोबाइल। ओके, यहाँ पे मैंने इस ऐप को पहले से इंस्टॉल कर लिया है और इसे आपको इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पहले मैटलैब का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको, अगर आपका फ्री अकाउंट है तो यहाँ पे मैटलैब का एक्सेस मिल जाता है और यहाँ पे आप अपने कोड को एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 250 MB की क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है मैटलैब ड्राइव में। अगर आप पेड मेंबर है, लाइसेंस है आपके पास मैटलैब का, तो यहाँ पे आपको एड ऑन प्रोडक्ट का एक्सेस मिल जाता है और यहाँ पे आप डिवाइस सेंसर के डेटा को एक्वायर कर सकते हैं और साथ में आपको 5 GB का क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है मैटलैब ड्राइव पे। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं जहाँ पे आपको कमांड लाइन का एक्सेस मिल जाता है, 2D 3D प्लॉट मिल जाता है और यहाँ पे एडिटर मिल जाता है जहाँ पे आप अपने कोड को व्यू कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपने नए कोड को क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेंसर का डेटा भी देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है और यहाँ पे आपको कस्टम कीबोर्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है जहाँ पे मैटलैब का खुद का कीबोर्ड है। यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड को कस्टमाइज़ किया गया है और यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है तो उस पर हम बाद में ध्यान देंगे। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, पहले मैटलैब को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, या तो आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके, जो आपका कंप्यूटर मैटलैब सॉफ्टवेयर वहाँ से कनेक्ट करके आप अपने डेटा को देख सकते हैं या फिर आप अपने मैटवर्क के क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट टू मैटवर्क क्लाउड करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालूँगा तो इस स्टेप को मैं स्किप कर दूँगा। अच्छा, तो मैंने अपने अकाउंट में साइन इन कर लिया है और ये मेरे मैटवर्क क्लाउड से कनेक्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अनलॉक मोल फीचर्स का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 5 GB क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है और यहाँ पे आप अपने सेंसर के डेटा को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपग्रेड नहीं करेंगे, पहले आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप अपने कमांड्स टाइप कर सकते हैं, जो भी कमांड्स है, जैसे अगर सब प्लॉट हो गया, सब प्लॉट कमांड क्या करता है, सब अलग अलग कमांड्स आप इधर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल्स देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी फाइल्स है। यहाँ पे मैंने पहले से 2 फाइल बना के रखी है एग्जांपल्स के लिए। अब यहाँ पे अपने हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अभी मैंने सब प्लॉट का कमांड डाला है तो वहाँ पे हिस्ट्री बता रहा है। यहाँ पे कुछ फिगर्स है, देखिए मेरे हिस्ट्री में एक फिगर पड़ा हुआ है, जहाँ पे आप अपना ग्राफ ऑफ चेक कर सकते हैं और यहाँ पे सेंसर्स का डेटा एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर का भी सपोर्ट है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो अभी मैं जाता हूँ फाइल्स में,
यहाँ पे आपको मैं एक कोड रन करके बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो कोड पड़ा हुआ है, एक एंट्रोपी का है, एक रेलिक्स का है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक एक्स्ट्रा कोड ऐड करना है तो मैं ऐड पे क्लिक करके मैं फोल्डर या कोड क्रिएट कर सकता हूँ, फोल्डर या फाइल। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके काफ़ी सारे सेटिंग्स पड़े हुए हैं जहाँ पे मैं अपने सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कोड आपको रन करके दिखाता हूँ, जैसे रेलिक का कोड ओपन कर लेता हूँ। इसे रन करने के लिए सिंपली आपको इधर क्लिक करना है और यहाँ पे कोड रन हो चुका है। और आपको ग्राफ देखना है इस कोड का, तो यहाँ पे इस ग्राफ पे क्लिक करके अब यहाँ पे शो डेटा कर्सर पे चेक करोगे तो यहाँ पे जो डेटा कर्सर है वो बताएगा आपको। यहाँ पे जैसे कि एक कर्सर कहीं पर मूव करके वहाँ का डेटा आप एनालाइज कर सकते हो। नो डेटा फाउंड, अगर मैं यहाँ पे इसे इस कर्सर को अगर मैं यहाँ पे यहाँ का डेटा आपको शो हो रहा है, देखिए। अब यहाँ पे इसको मैं दूसरी जगह पे मूव करता हूँ एकदम पीक लेवल पे। ओके, यहाँ पे डेटा नहीं है। अगर मैं दूसरे ग्राफ में इसे कर्सर को पॉइंट करता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सिस वाई एक्सिस शो हो रहा है। यहाँ पे डेटा कर्सर को हाइड कर सकते हो, इसे आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे इसे आप गैलरी में सेव कर सकते हो। तो बस यही है मैटलैब का मोबाइल ऐप, जिससे आप कमांड्स लिख सकते हो, फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे। आपको एक एग्जांपल भी शो करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ओपन कर लिया था। यहाँ पर स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ, इसे मैं मैटलैब ड्राइव में सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं अगर प्ले करता हूँ तो यहाँ पे ये प्ले हो गया और यहाँ पे इसका ग्राफ शो हो रहा है। यहाँ पे डेटा का सर को शो करके मैं कहीं का भी डेटा एनालाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड, ओके। अब यहाँ पे पीक लेवल पे डेटा चेक करता हूँ। यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऐप पसंद आया रहेगा। तो बस इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो देख के एक आइडिया मिल गया आपको किस तरह से मैटलैब को मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, साथ ही इसमें क्या क्या एड ऑन फीचर्स है उसके बारे में आपको डिटेल मिल गया रहेगा। और एक जरूरी बात है कि आपने अभी तक अपने मैथवर्क अकाउंट नहीं बनाया तो इसे बना लीजिए, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और आप मैथवर्क अकाउंट नहीं बनाते तो आप इस ऐप को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर जरूर लाइक कीजिए, दूसरे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी टेक्स रिलेटेड नॉलेज मिलते रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो ऐप से रिलेटेड या फिर कोई भी टेक्निकल क्वेरीज हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल अकाउंट ना होने तक हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे।